नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने एक कहानी पढ़ी थी और वो कहानी थी एक चिड़िया और उसके दो छोटे छोटे बच्चों की। तो उस कहानी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, पूरा करेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाठ 7, अपना काम स्वयं करो। ये देखिए, ये कहानी थी, इसको मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम आगे की कहानी पूरी करेंगे। एक गांव था, उसमें बहुत से किसान रहते थे। उनके मक्का के खेत थे। उनमें से किसी एक खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। घोंसले में चिड़िया के साथ उसके नन्हे नन्हे दो बच्चे भी थे। चिड़िया रोज़ सुबह खेतों से दाना लाती और बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, परंतु अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। एक दिन चिड़िया दाने लाने गई हुई थी, तभी खेत का मालिक किसान और नौकर रामू किसान अपने नौकर रामू के साथ आया और बोला, रामू, लगता है फसल पक गई है, तुम कल सारी फसल काट लेना। रामू बोला, ठीक है, मैं कल ही सारी फसल काट दूंगा। दोनों की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। शाम को जब चिड़िया दाने लेकर आई तो एक बच्चा बोला, माँ माँ, आज खेत में किसान आया था, वह अपने नौकर को साथ लेकर घूम रहा था। दूसरा बच्चा बोला, हाँ माँ, शायद वह खेत का मालिक था। चिड़िया ने पूछा, वे क्या कह रहे थे? पहला बच्चा फुदक कर बोला, वह अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, कल इसे काट देना। बीच में ही दूसरा बच्चा बोला, माँ, लगता है हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। चिड़िया ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, अभी फसल काटने कोई नहीं आएगा। चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। और फिर एक दिन किसान अपने भाई के साथ खेत पर आया। उसने अपने भाई से कहा, देखो, फसल पक चुकी है, मैंने रामू से कहा था, किंतु उसने फसल नहीं काटी, तुम कल आकर फसल काट लेना। चिड़िया के बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही चिड़िया दाना लेकर लौटी तो दोनों बच्चों ने उसे किसान और भाई की बातचीत के बारे में बताया। चिड़िया फिर बोली, तुम अभी चिंता मत करो, अभी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी और आगे की कहानी हम अभी पढ़ते हैं। देखिए, उसके आगे क्या हुआ था। 4-5 दिन और बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख गए थे। वे फुदक फुदक कर खेत के पौधों पर उड़कर जाते और वापस लौट आते। अब देखिए, कितने दिन बीत गए थे। पहले रामू आने वाला था, फिर उसका भाई आने वाला था। तो तब तक क्या हुआ, चिड़िया के बच्चे थोड़े और बड़े हो गए और उनको उड़ना सीखने का मौका मिल गया। अब उन्होंने थोड़ा उड़ना सीख लिया था, कहाँ, वहाँ से घोंसले से लेकर खेत तक। ज़्यादा उड़ सकते थे नहीं, वहाँ से लेकर खेत तक उड़ते थे और पौधों तक जाते थे, फिर लौट आते थे घोंसले पर। आगे देखेंगे, 3-4 दिन बाद किसान अपने नौकर और भाई के साथ खेत पर फिर आया। उसने देखा कि फसल अभी तक काटी नहीं गई थी। जब वो 3-4 दिन बाद अपने नौकर और भाई के साथ आता है तो फसल कटी थी नहीं, फसल किसी ने नहीं काटी थी। उसे गुस्सा आ गया, बोला, तुम लोगों ने फसल नहीं काटी, अब मैं कल स्वयं ही फसल काटूंगा। इतना कहकर वह चला गया। देखिए, नौकर से कहा था तो किसी ने काटा था, नौकर ने काटा था नहीं,
फिर उसने अपने भाई से कहा था, भाई ने फसल काटी थी? नहीं। तो किसान को गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहता है कि मैं कल स्वयं आकर फसल काटूंगा। स्वयं, देखिए यहाँ मैंने अर्थ दिया है, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप। किसान क्या कहता है, मैं अपने आप आऊंगा और फसल काटूंगा। चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को जब सारी बातें बताई तो चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, अब फसल अवश्य कटेगी, हम कल सुबह ही यहाँ से दूसरी जगह चलेंगे। देखिए जब चिड़िया के बच्चे शाम को चिड़िया को बताते हैं कि आज किसान आया था, उसने ऐसा कहा अपने भाई से और नौकर से, तो चिड़िया क्या कहती है, हाँ अब फसल ज़रूर कटेगी। क्यों कहा था उसने ऐसा, इतने विश्वास से क्यों कहा था, क्योंकि किसान फसल काटने स्वयं आने वाला था, मतलब अपने आप आने वाला है, और जो काम हम खुद करने का निश्चय करते हैं वो काम हमेशा पूरा होता है। तो ये देखिए, पर माँ तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कल किसान फसल काटने अवश्य आएगा, चिड़िया के बच्चों ने चहकते हुए पूछा। देखिए चिड़िया के बच्चे ने क्या पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कल किसान फसल काटने आएगा, कैसे पूछा उसने, चहकते हुए। चहकते हुए मीन्स ऐसी चिड़ियों की, देखो चिड़ियों की आवाज़ को क्या कहते हैं हम, चहकना। यहाँ पर देखिए अर्थ दिया हुआ है, चहकते हुए, चहकना का अर्थ है चिड़ियों की आवाज़, हम उसे कैसे बताते हैं, चिड़ियों की आवाज़ को चहकना। तो उन्होंने चहकते हुए कहा, दोनों बच्चों ने साथ में कहा कि आपको कैसे पता चला कि कल किसान अवश्य आएगा। तो किसान क्या कहता है देखिए, चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे वह कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ एक शब्द है भरोसे, भरोसे का अर्थ है सहारे। जब तक हम अपना काम किसी और के ऊपर छोड़ देंगे कि हमारा काम वो करके दे देगा, जैसे आपका होमवर्क, आप कहोगे नहीं मम्मी मुझे हेल्प करेगी तब मैं करूँगा, ऐसे भरोसे अगर छोड़ते हैं वो काम होता है नहीं। आप जब कहोगे नहीं मुझे काम पूरा करना है हम अभी करेंगे, तो वो काम अवश्य होता है। तो चिड़िया ने भी अपने बच्चे को समझाया, जो काम हम खुद करने का निश्चय करते हैं वो पूरा होता है। किसान अब इस बात को समझ गया है, इसलिए वह कल फसल काटने अवश्य आएगा। तो ये जो बात है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, वो किसान को समझ में आ गया है, इसलिए वो कल फसल काटने जरूर आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही चिड़िया और उसके बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे। क्या किया था उन्होंने, बच्चे उड़ना सीख गए थे और चिड़िया को भी पता चल गया था कल किसान जरूर आएगा फसल काटने, तो वो दूसरे दिन घोंसला छोड़कर उड़ चले जाते, कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम जीवन मूल्य देखेंगे, और जीवन मूल्य का अर्थ है कि जो हमने कहानी पढ़ी है उससे हमने क्या सीख लिया है, क्या शिक्षा ली है और क्या हमें सीखने मिला है। और इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला है, अभी मैंने आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। देखिए हमें दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भरोसे रहना है, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना है। तो ये हमने शिक्षा ली। और अब हम देखेंगे, कुछ मैंने प्रश्न उत्तर निकाले हैं तो उसे देखेंगे। देखिए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, क चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था, चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था, और इसका उत्तर है चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। प्रश्न का उत्तर है चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, ख प्रश्न ख,
किसान के किसके खेत थे? किसान के किसके खेत थे? और उत्तर है, किसान के मक्का के खेत थे। किसान के मक्का के खेत थे। ये हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया के कितने बच्चे थे? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर आपको पता है कितने बच्चे थे? हमने अभी कहानी ख़त्म की है। चिड़िया के दो बच्चे थे। कितने बच्चे थे? चिड़िया के दो बच्चे थे। एक आखिरी प्रश्न देखिए, घ अंत में फसल किसने काटी? अंत में फसल किसने काटी? और इसका उत्तर आपको पता है किसने काटी? यस, सही जवाब, अंत में फसल किसान ने काटी। अंत में फसल किसने काटी? अंत में फसल किसान ने काटी। तो ये हमने कुछ मौखिक प्रश्न आपको दिए हैं, और जो लिखित प्रश्न होंगे वो हम आपको फिर बाद में देंगे, ठीक है। इतने प्रश्न आपने ध्यान से देख लेना है इनको, और पाठ को भी आपने रीड करना है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।